तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाले Ffic गेम चैलेंज के बारे में, जिसमें आपको बहुत सारे रिवॉर्ड बिल्कुल फ्री देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस, इवेंट की फुल डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ, किस तरह आपको टीम पिकअप करनी है, सब कुछ आपको बताऊंगा। तो गाइस, वीडियो पूरे तक जरूर देखना, उससे पहले जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट वन यानी कल से ये स्ट्रीम स्टार्ट होगी, जहाँ पे आपको जो मतलब मोस्ट पॉइंट जो टीम करेगी उसे आपको सिलेक्ट करना है। मतलब पहले आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सी टीम आपके हिसाब से मोस्ट पॉइंट कर सकती है और मोस्ट कौन सी टीम कर सकती है। तो मैं आपको पिक करके दिखाता हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम सिलेक्ट कर लिया, इसलिए मैं सेकंड में सिलेक्ट करके बताता हूँ। जो सेकंड डे होगा तो उसमें हमको क्रिटिकल एक्स सिलेक्ट कर लेते हैं और मोस्ट किल में हम सिलेक्ट करते हैं हमारी ये जो हमारी कहाँ पे गई यूनाइटेड नेपाल को। ठीक है, अगर ये टीम मोस्ट किल करती है तो हमको ये पैराशूट मिलेगा और सेकेंड डे में और पोस्ट पॉइंट में ये, और फर्स्ट डे जो कि कल होगा हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 डे 1 आवर 36 मिनट के बाद लास्ट टीम चलेगी, जिसमें अगर ये मोस्ट किल हमारे अनग्रेजुएट के में करती है मोस्ट पॉइंट तो उसमें हमको ये NN4 की स्किल मिलेगी, क्रेड मिलेंगे और मोस्ट किल में ये मिलेगा। इसमें बहुत सारी चीज़ आपको दे रही है, जैसे डायमंड वॉचर हो गया हमारे ये मतलब ये चश्मा हो गया और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इसमें जो कि हमारे फिर स्पोर्ट्स इंडिया चैनल पर लास्ट टीम चलेगी कल से। तो गाइस, आपको भी सर पिकअप करना है, हर मतलब 9 दिन तक लगातार चलेगी, तो लास्ट टीम से पहले आपको पिकअप कर लेना कि आपकी टीम कौन सी है, आप कौन सी टीम को सिलेक्ट कर रहे हैं इसमें, ताकि आपको ये अगर वो टीम होती है मतलब वो टीम है मोस्ट पॉइंट करती है मोस्ट किल करती है तो आपको ये डायमंड वॉचर इसमें जो भी रिवॉर्ड दे रही है वो आपको मिल जाए। ठीक है, आप चाहो तो अभी पिकअप कर सकते हो या फिर सभी के अलग अलग दिन कर सकते हो, जैसे अभी तो कल स्टार्ट होगा 1 डे 1 आवर्स पे ये मतलब चलेगा मैच, उसके बाद 2 दिन में ये सेकंड वाला चलेगा, फिर यहाँ पे आपको ऊपर देख रहा आप टाइम चेंज हो रहा है और इस पर जैसे आप लास्ट टाइम क्लिक करोगे आप लास्ट टाइम भी जहाँ से देख सकते हो।